ले चलते हैं आपको फरुखाबाद की ओर, जहां होली मिलन समारोह में डीजे बंद होने पर हुआ बड़ा विवाद। अज्ञात बदमाशों ने डीजे मालिक पर किया हमला, साथ ही की गाली गलौच। मामला ब्लॉक कमालगंज ग्राम अमानाबाद का है, जहां पूर्व प्रधान कुलदीप ने होली समारोह के लिए गांव में डीजे मंगवाया था। डीजे के मालिक सचिन उर्फ शिवा ने ग्राम अमानाबाद में अपना डीजे लगाया था। घायल सचिन उर्फ शिवा ने बताया कि डीजे में कुछ खराबी के कारण डीजे बजना बंद हो गया था, तभी कुछ गाँव वालों ने उन्हें गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। जब डीजे मालिक ने उनसे कहा कि हमने अपने साथियों को बुलाया है, वह अभी आ रहे हैं, डीजे में कुछ वायर खराब है, वह उनको ठीक कर देंगे, सचिन उर्फ शिवा ने साथी हिमांशु विजय शिवा मौके पर पहुंचे और तब तक पूर्व प्रधान कुलदीप और उनके भाई रंजीत और निखिल पुत्र कुलदीप मुकेश आदि लोगों ने डीजे के मालिक और उनके साथियों पर गाली गलौज करने लगे, साथ ही उन पर हमला कर दिया, जिससे डीजे मालिक बुरी तरह से घायल हो गया। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, इनके जो चोटें लगी हैं, जो व्यक्ति लोग हैं, इनके कौन है आप? हम मामा हैं और भाई हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं? कमालगंज मकुन नंगला। ये कैसे घटना हुई? ये मेरे भांजे की दुकान है डीजे की जी, तो वहाँ पे डीजे लगा था, बुक था डीजे जी, तो उसे संभालने के लिए गया था। संभालते वक्त ये लोग आ गए और जात सूचक गाली देकर धारदार हथियार व लाठी डंडों से हमला कर दिया, तेरा डीजे खराब। आपको कैसे पता चला? मुझे फोन आया जब इनकी मार पड़ी। आपने FIR लगवा दी? दे दी।